श्री राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव नहीं देख सकेंगे, उनके लिए इस बार सीता की नगरी सीतापुर में खास व्यवस्था की जा रही है। और हमारे साथ मौजूद है वो शख्सियत जिन्होंने इस बार जो लोग अयोध्या नहीं जा सके हैं वो सीता की नगरी सीतापुर में वैसा ही दीपोत्सव देखेंगे, वैसा ही नजारा देखेंगे। मेरी मौजूदगी इस समय श्यामनाथ मंदिर में है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये कुंड है, पहले का कुंड और इस बार का कुंड, आपको बहुत अंतर नजर आएगा। और रात हो चुकी है, इस समय अभी भी यहाँ कार्य चल रहा है। दरअसल यहाँ पर बहुत कुछ होने वाला है, क्या कुछ होगा ये हम बात करते हैं पूरे कार्यक्रम के आयोजक प्रभात कश्यप जी हमारे साथ हैं, आप ही से जानते हैं। प्रभात जी, ये कैसे जहन में आया कि जो लोग अयोध्या नहीं जा सकते हैं वो सीतापुर यानी सीता की नगरी कही जाती है, और यहाँ पर दीपोत्सव को लेकर क्या कुछ खास इंतजाम किए जा रहे हैं? अयोध्या में सब लोग तो जा नहीं सकते हैं, उन्होंने सोचा क्यों ना सीतापुर को ऐसे अयोध्या का स्वरूप दे दिया जाए और यहाँ पे भव्य दीपोत्सव किया जाए, और यहाँ पे 51,000 दिए जलाए जाएंगे और एक छोटा लेजर शो किया जाएगा जिसमें रामायण का संक्षिप्त वर्णन दिखाया जाएगा, उसके बाद एक आरती का प्रोग्राम है और प्रसाद वितरण होगा। तो आपके जहन में ये आया कि जो बुजुर्ग माता पिता जिनके हो सके हैं अयोध्या में नहीं जा सकते दीपोत्सव देखने, उनको क्यों ना हम सीतापुर में श्यामनाथ मंदिर पर ऐसा आयोजन करें और यहाँ पर उनको वही चीज दिखाएं। तो लेजर शो वाले और बाकी जो वॉल पेंटिंग है ये सब कैसे अरेंज किया, कैसे मन में आया? वॉल पेंटिंग एक्चुअली में G20 में बहुत लोगों ने, जानने वालों ने, हम लोग गए थे G20 समिट वाले में तो देखा था कि वहाँ पे ये लोग पेंटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ से इन लोगों का नंबर तभी हमने ले लिया था कि हो सकता है कभी काम आ जाए। तो जब मन में विचार आया तो उन लोगों को फ़ोन किया, बच्चों को फ़ोन किया और वालों को फ़ोन किया, सारे लोग खाली थे, फिर उनसे बात करी गई कि क्या इतने 5 दिन संभव है इतनी बड़ी व्यवस्था करना, तो सबने सारे लोग एग्री हो गए कि हाँ करेंगे। फिर उन्होंने सबको बुलाया और देखिए आपके सामने रिजल्ट है। तो वॉल पेंटिंग हो रही है और बाकी ये जो कुंड है आप देख सकते हैं इसमें पानी भरा रहता था, यहाँ भी आप काफ़ी कुछ करा रहे हैं, इससे इसके जरिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश ये देना चाह रहे हैं कि अभी तो हम लोगों ने इसको व्यवस्थित कर दिया है, अब आने वाले समय में जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो एटलीस्ट इसका ध्यान रखें कि साफ़ सफाई करें और ऐसा ना हो कि प्रोग्राम हो जाए और फिर ये व्यवस्था उतनी गंदगी हो जाए। तो ये लोकल लोगों की जिम्मेदारी है जो यहाँ पे रहते हैं कि इसकी साफ सफाई का ध्यान रखें, यही एक अपील है हम लोगों की। बिल्कुल, देखिए आगे भी ये बरकरार रहे, आपने ये कदम उठाया, आपने ये बीड़ा उठाई, आपने ये पहल की, तो आगे जो लोग हैं जो जिम्मेदार हैं आपकी मंशा है कि इसको और आगे बढ़ाएं, वो जिम्मेदारी लें। आज उन्होंने शुरुआत कर दी है, इसको और ऊंचाइयों तक ले जाएं और इस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएं। तो जो वॉल पेंटिंग की बात कर रहे हैं प्रभात जी, ये कह रहा हूँ कि वॉल पेंटिंग में आप देख सकते हैं तमाम देखने को मिल रहे हैं, ये मनोहारी नज़ारे हैं और बहुत ही कम समय में आपने इनको उकेरने का काम करवाया यहाँ पर, तो अपने आप में अद्भुत नज़ारा श्यामनाथ मंदिर पर आपको दिखाई देगा, बहुत कुछ नया होगा और खासकर सीतापुर के लिए। और आप देख सकते हैं रात में ही काम हो रहा है, बहुत ही कम समय में 51,000 दिए तो जलेंगे ही लेकिन यहाँ नज़ारा आपको सेम अयोध्या की तरह दिखाई देगा, वैसी ही लाइटिंग भी दिखेगी, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे साथी आपका साथ भी दे रहे हैं, आपको लगता है कि जो आपने ठानी है बुजुर्गों के लिए बहुत कुछ करने जा रहे हैं, जो लोग अयोध्या नहीं जा रहे हैं वो मनसा पूरी हो रही है? बिल्कुल हो रही है, और साथ के लोग जितने भी यहाँ के युवा हैं 2400 घंटे लगे हुए हैं, सारे लोग अपना काम छोड़ के, कम से कम 1 हफ्ता हो गया है लोग अपने घर नहीं गए, पूरा टाइम यहीं दे रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, यही यहाँ के लोगों से बहुत सहयोग मिल रहा है। देखिए बहुत बड़ी बात है, वाकई में सीता की नगरी तो कही जाती थी सीतापुर, लेकिन अयोध्या जैसा नज़ारा यहाँ पर वो प्रभात कश्यप ने उन बुजुर्गों के लिए, उन लोगों के लिए इस बार करने के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं। और इसका जैसे 12 नवंबर को यहाँ 11 नवंबर को एक दिन पहले यहाँ मनाई जाएगी, फिर लोग अपने घर में जाएं, घर में मनाएं अपना दीपावली, पहले यहाँ का लुत्फ लें और उसके बाद अपने घरों में मनाएं, घरों में मनाएं। अच्छा, इससे पहले भी आप इसका डेमोंस्ट्रेशन करेंगे? इससे पहले एक ट्रायल होगा इसका, 10 तारीख को एक ट्रायल होगा, यानी कि परसों ट्रायल होगा, परसों पूरा ट्रायल हो जाएगा,
सारी व्यवस्थाओं का और 11 तारीख को प्रोग्राम होगा। प्रभात जी, पूरा कार्यक्रम बता दें, लोग दर्शक एक बार जानना चाहेंगे क्या क्या होगा यहाँ, वो जरूर बता दें। देखिए 7 बजे संभवतः आरती होगी, उसके बाद हर 15 मिनट के बाद एक रामायण का संक्षिप्त लेजर शो चलेगा। ये 2 प्रोग्राम मुख्य होंगे इसमें, और 51,000 दिए जलाए जाएंगे, एक वो खूबसूरती वो देखने को मिलेगी आपको। बिल्कुल अद्भुत छटा देखनी है तो बिल्कुल मिस मत करिए, 11 नवंबर को आइए आप सभी लोग श्यामनाथ मंदिर पर, और इस बार आपको वो छटा देखने को मिलेगी। जानेंगे अभी बहुत सारे युवाओं से भी कि किस तरीके का उत्साह है, तो बने रहिए आई इंडिया के साथ। श्यामनाथ मंदिर पर 11 नवंबर को बहुत कुछ इस बार अलग होगा। जी हाँ, दीपोत्सव का ऐसा पर्व जो यादगार बनेगा और पहली बार होने जा रहा है, और आपको दिखाते हैं कि बहुत सारे लोग उत्साहित हैं जो इंतजामों में लगे हुए हैं, यहाँ रात दिन काम हो रहा है। बहुत ही कम समय में यहाँ इस बार ऐसा कार्य होने जा रहा है जो आप देखते ही बनेगा, और उन बुजुर्गों के लिए खासकर जो अयोध्या नहीं जा सकते हैं वो सीतापुर में बहुत कुछ देखेंगे। इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमारे इतनी उम्र में कभी भी ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ जो 11 नवंबर को होने वाला है। दोपहर में 1 बजे से सुंदरकांड का यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है, शाम को 6 बजे से यहाँ पे दीप उत्सव का रखा गया है, 7 बजे के यहाँ पे रामायण लेजर राइड से प्रोग्राम रखा गया है। उसके नज़रिए से यहाँ पे सारी व्यवस्थाएँ रहेंगी और काफ़ी लोग आएंगे, और श्यामनाथ मंदिर की इस साल की जो भव्यता है वो अलग ही दिखेगी। बिल्कुल बिल्कुल भव्यता अलग दिखेगी, ऐसी उम्मीद है आपको, आपको लग रहा है भव्यता कुछ अलग दिखेगी? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मेरी लाइफ पहली बार, मैंने पहली बार यहाँ देखने जा रहा हूँ, और पहले जो यहाँ पे था मतलब बहुत टूटा फूटा था, पहली बार में ऐसा मतलब देखा। बिल्कुल, तो पहली बार दिख रहा है, चूँकि यहाँ का जो नज़ारा था वो अलग था, और अभी तो शुरुआत हुई है एक समान, और बहुत कुछ बदल रहा है, क्या कुछ खास होने वाला है? हम सर्वप्रथम तो प्रभात भैया का हार्दिक आभार धन्यवाद देते हैं कि अयोध्या की तर्ज पर सीतापुर में बाबा श्यामनाथ मंदिर पर प्रथम बार दीपोत्सव का, भव्य दीपोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। जो श्यामनाथ मंदिर इतना प्राचीन है, जिसका जीर्णोत्तीर्ण अवस्था में था, तीर्थ इतना गंदा था, सारे पत्थर टूटे पड़े थे, उन्होंने अपने निजी खर्चे पे इस श्यामनाथ मंदिर के तीर्थ के प्रांगण का, मंदिर का जो सौंदर्यकरण कराया है वो उनके लिए, वो उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। जो कार्य किसी ने नहीं किया वो प्रभात भैया ने अपने निजी खर्चे पे किया है, और अयोध्या की तर्ज पे दीपोत्सव भव्य 51,000 दीपों का जो दीपोत्सव होना है वो भी प्रशंसा के लायक है, और हम लोग आतुर हैं कि इस कार्यक्रम को जल्दी से जल्दी हम लोग करें और इसका आनंद उठाएं, और सीतापुर के सभी सम्मानित नगरवासियों से निवेदन भी करते हैं कि इस 11 नवंबर को शाम 5 बजे आप सब सादर आमंत्रित हैं, इस कार्यक्रम का आनंद उठाएं, क्योंकि अयोध्या की तर्ज पे आप अयोध्या के दर्शन सीतापुर के बाबा श्यामनाथ के तीर्थ स्थल पे आपको होने वाले हैं। बिल्कुल, तो देखिए प्रभात कश्यप की जो पहल है उसकी सराहना हो रही। आशीष जी, आप भी इंतजामकर्ताओं में हैं, तो क्या कुछ यहाँ इंतजाम किए जा रहे हैं अभी? भाई साहब, जैसा आपको ज्ञात भी होगा कि आपने प्रिंटिंग देखा होगा कि 3D प्रिंटिंग है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरी सफाई हुई है, लेजर शो के लिए आपको बताया गया कि छोटे छोटे रामायण का लेजर शो के माध्यम से चित्रण दिखाया जाएगा, दिव्य आरती होगी वटकों द्वारा, और प्रसाद वितरण है, और जो लाइटिंग यहाँ की होगी वो बहुत ही अद्भुत अकल्पनीय होगी। हमें लग रहा है कि जो अयोध्या में जैसा सेटअप होता है वैसा ही सेटअप यहाँ पर भी प्रभात कश्यप जी के माध्यम से कराया जा रहा है,
और उनके मन में आया, जैसे आप सबको पता भी है कि उनके माताजी पिताजी अयोध्या दर्शन करना जाना चाहते थे, परंतु ये था बुजुर्ग थे, इतनी भीड़ वहाँ थी, इस नाते उन्हें लगा कि नहीं, हम सीतापुर के वासी हैं, माँ सीता की नगरी में ही अयोध्या के दर्शन होंगे। इस भाव के साथ ही मंदिर का सौंदर्यीकरण कराया और इस अद्भुत कार्यक्रम को ठाना जो अपनी पूर्णता को और अग्रसर है, आपको 11 तारीख को 5 बजे से उसकी अलौकिकता देखने को मिलेगी। बिल्कुल, एक बेटा जिसने अपनी माता पिता के लिए अयोध्या तो नहीं ले जा सके लेकिन सीतापुर में ही अयोध्या को लाने की ठानी है और वो सीतापुर में अब कुछ ही समय बाद यहाँ के लोग उसको देखेंगे भी, और बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग जिनको यहाँ वही आनंद मिलेगा जो अयोध्या में मिलता है। आप लोग भी माता पिता को लाने की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं तो यहीं का निवासी हूँ। सर्वप्रथम प्रभात के सबको मैं धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि यहाँ इतना अच्छा सौंदर्यीकरण कराने का उन्हें श्रेय मिला, बाबा का आशीर्वाद मिला, उनकी आज्ञा मिली। जो यहाँ पे वॉल पेंटिंग की गई है वो अकल्पनीय है, जो आप देखेंगे इधर चाहे अवतार हों, विष्णु जी के अवतार हों, या इस साइड में रासलीला का मंचन किया गया हो, या सामने पुष्प विमान रामचंद्र जी का आना और उनका सिंहासन पर बैठना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो सीतापुर में कहीं देखने कहीं मिली होंगी। और इस बार का लेजर शो और बाकी सफाई और इस तीर्थ का जीर्णोद्धार जो बाबा जैसे हैं, कभी चमक हुई नहीं, नई भी आई थी तो भी इतनी चमक नहीं थी। तो इसके लिए हम पूर्ण धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभात कश्यप जी को और सभी को आमंत्रित करना चाहेंगे कि आप लोग 11 तारीख को शाम को 5 बजे श्यामनाथ मंदिर के तीर्थ पे जरूर आए। बिल्कुल, कहते हैं कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, यारो एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। बिल्कुल, यही कुंड है जिसमें आप देखते होंगे कि बहुत सारी काई हुआ करती थी, और जैसा कि बता रहे हैं कि बाबा शिव जी का जो विशाल रूप है यहाँ पर भी काई जमा रहती थी, लेकिन अब चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, और ये सब कुछ संभव हो रहा है प्रभात कश्यप की उस पहल से। ये बताइए कि अब बहुत प्रफुल्लित हैं, उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं? जी भैया, हम लोग बिल्कुल 11 नवंबर की शाम का बिल्कुल मतलब आतुरता से इसका जो है वो कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। इसमें अपने प्रभात भैया ने जितनी उनकी प्रशंसा की जाना, हम शायद उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकते, क्योंकि सीतापुर में एक नया एक्साइटमेंट देखने को मिलेगा 11 तारीख को। शायद हम भी अयोध्या जाने के इंतजाम में थे, लेकिन जब हमको पता चला कि हमारे सीतापुर में ऐसा होने जा रहा है, तो हम लोगों ने कहा क्यों ना इसमें हाथ लगाया जाए। शायद वहाँ जाके हमको दीप जलाने का अवसर ना मिलता, लेकिन यहाँ आकर के हमें कुछ अद्भुत करने का अवसर मिलेगा। और प्रभात भैया ने अपने छोटे भाई के जैसा बिल्कुल साथ में लगा के रखा है, दिन रात यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, तो उसके लिए प्रभात भैया का दिल से आभार। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात, शायद अयोध्या में दीप जलाने का अवसर ना मिलता, लेकिन यहाँ श्यामनाथ मंदिर पर जो इस बार इंतजाम हो रहा है उसमें इन्हें एक दीपक तो जलाने को मिल ही जाएगा, और अपने परिवार को भी यहाँ ला सकेंगे और उन्हें भी वो लुत्फ उठाने का मौका दिलाएंगे। आपने क्या तैयारी की? सर्वप्रथम तो हम प्रभात दादा का धन्यवाद देना चाहेंगे। 1 तारीख को इसकी सूचना मिली कि यहाँ पर कार्यक्रम होना है, और 2 तारीख से हम लोग तैयारी में लग गए, और 2 तारीख के बाद हम लोग दिन रात मेहनत करके, अभी तक रात का समय हो रहा है और हम लोग बराबर लगे हैं। तो सीतापुर की जनता से बस एक ही अपील है कि आप लोग आएँ और हमारी मेहनत को सफल बनाएं, और कार्यक्रम को जब आप आएंगे देखेंगे तभी हमारी मेहनत सफल होगी। इसलिए सीतापुर की जनता से बस इतना निवेदन है कि आप लोग 11 नवंबर की शाम 6 बजे यहां पर आएं और कार्यक्रम की सुबह बनाएं। धन्यवाद। बिल्कुल, तो देखिए 11 नवंबर को 6 बजे आम लोग आएं और यहां पर आपको दीपोत्सव का नज़ारा अयोध्या की तर्ज पर मिलेगा। लग रहा है बहुत कुछ बदला मिलेगा इस बार बहुत कुछ बदला मिलेगा। मेरे परिवार, मेरी माता जी भी और सब लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग भी अयोध्या चलेंगे, लेकिन जैसे सुना कि प्रभात भैया हमारे अयोध्या को सीतापुर में ही उसी तरह से दीप प्रज्वलित करा रहे हैं, दीप जलवा रहे हैं, तो हम लोगों ने फिर प्लान बनाया कि अब अयोध्या जाने का ही प्लान कैंसिल कर दिया और सोचा कि हम सीतापुर मानेंगे। और प्रभात भैया का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कम से कम इस पुरातन, मेरे जन्म में हो गया, मैं यहाँ पर, मैंने अभी तक ऐसा यहाँ पर कोई आयोजन नहीं देखा कि इतना बड़ा आयोजन हमारे जनपद सीतापुर में हुआ हुआ। इसलिए प्रभात भैया को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और वो जो 11 नवंबर का दिन होगा, जो रात होगी, आप देखेंगे तो आसमानों में लेजर लाइट, आसमानों में रामायण का एक
मतलब स्वरूप आप लोगों को देखने को मिला, ये भी हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और ये श्यामनाथ मंदिर बहुत पुरातन मंदिर है, यहाँ पर आज तक कभी इसी की साफ सफाई नहीं हुई, और हम जब भी आते थे कभी तो इधर आने का हम लोग को मन ही नहीं होता था। हम लोग आते थे वहीं दर्शन करते थे उधर चले जाते, इधर आते थे बड़ी गंदगी होती थी, कहने को तो तीर्थ था लेकिन यहाँ कभी साफ सफाई नहीं हुआ। और प्रभात भैया की बदौलत आज कम से कम इस मंदिर प्रांगण का एक जीर्णोद्धार किया गया है, और बहुत अच्छा। और मैं जनता से अपील भी करता हूँ कि अगर ये कार्यक्रम होने के बाद जो है इसकी साफ सफाई बरकरार रखें, और मतलब अच्छी तरह से ध्यान रखें। वो जैसे पेंटिंग ये बनाई गई है यहाँ पर, ये सब लखनऊ से आए हैं कलाकारों ने, कलाकृति की है, तो इसका भी ध्यान रखा जाए और जो है कोई गंदगी ना फैलाई जाए, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। और लोगों से अपील करता हूँ कि 11 तारीख की शाम को 5 बजे आए और हमारे इस छोटे से जो अयोध्या स्वरूप जो यहाँ पर दीपोत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित होकर और कार्यक्रम का लुत्फ उठाएं। बिल्कुल, तो देखिए हर कोई 11 नवंबर का अब इंतज़ार करेगा, क्योंकि सीतापुर में इस बार बहुत कुछ अलग होने जा रहा है, और ख़ासकर श्यामनाथ मंदिर पर। आपको बता दें कि सीतापुर में इस बार 150,000 दीपक जो है नैमिषारण्य में जलाए जाएंगे, लेकिन 51,000 दीपकों के साथ जो आपको आनंद एक अलग तरीके का मिलेगा वो श्यामनाथ मंदिर में मिलेगा, और उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। देर रात आई इंडिया की टीम ने आज पहुंचकर यहां का जायजा लिया है और उस पल को भी आप तक पहुंचाने का काम करेगा, और उस मेहनत को भी, उस पहल को भी, ताकि दूसरे लोग भी सीख लें कि यदि निर्णय कर ले कोई व्यक्ति तो ऐसा कोई काम मुमकिन नहीं है। जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं, यहां का पहले का नज़ारा क्या होता था और अब कितना बदल गया है। फिलहाल आप सभी लोग उस 11 नवंबर का इंतज़ार करेंगे, और जब शाम 6 बजेंगे तो आपको आसमान से लेकर इस तीर्थ का नज़ारा कुछ अलग ही दिखेगा। ये अवसर कतई ना आप लोग छोड़ें और इसका लुत्फ उठाएं। सीतापुर से आई इंडिया के लिए डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।